हेलो दोस्तों, आज लेकर आए हैं वीडियो नंबर 4। हम लोगों ने पिछले 3 लेक्चर में सरफेस टेंशन पढ़ रहे थे, सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव। आज जो लेक्चर है 4, तो उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लेकर के आए हैं, कैपिलरी एक्शन का। कैपिलरी एक्शन कैसे करते हो या केसिका क्रिया, हर स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कराए जाने वाले लगभग हर एग्जाम में इस टॉपिक से हर बार क्वेश्चन आता है और डेली लाइफ से जुड़े हुए एग्जांपल्स को वो लोग पूछते हैं। इसीलिए हम लोगों ने आपकी फोकस किया है मेनली इस टॉपिक पर, ठीक है। तो शुरू करते हैं। एक्चुअली ये कैपिलरी एक्शन होता क्या है देखते हैं जरा। नंबर वन, हम लोग जितने भी कपड़े पहनते हैं वो पतले पतले धागों से मिलकर बुने होते हैं। वो पतले पतले से जो धागे होते हैं वो उनसे भी पतले पतले रेशों से मिलकर बने होते हैं, पतले पतले से फाइबर्स। ये पतले पतले से फाइबर हैं जिनसे मिलकर के धागे बने होते हैं। और इन पतले पतले से रेशों को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इनके बीच में एक पतला सा एयर गैप होता है, एयर गैप होता है। और इस एयर गैप को अगर हम लोग बिल्कुल ध्यान से देखें ऊपर से, तो इस तरीके से अगर हम लोग इस पर फोकस करें, ऐसे करके अगर हम लोग फोकस करें तो हमें लगेगा कि यहाँ पर एक कुछ रेशे हैं जो इस तरीके से जुड़े हुए हैं, ऐसे करके। और ये पतले पतले से रेशों का एक समूह हुआ है और इनके बीच में एक एयर गैप है। ये एयर गैप यही वाला एयर गैप होता है, ये एयर गैप यही वाला एयर गैप है। और इस एयर गैप को आप लोगों ने देखा तो कुछ इस तरीके से नजर आएगा, जैसे पहला रेशा, दूसरा रेशा, तीसरा रेशा, चौथा, पांचवा, छठवां, इन 6 रेशों के बीच में एक पतला सा एयर गैप है। ये पतला सा जो एयर गैप होता है इसका डायमीटर, इसका व्यास लगभग हमारे बाल के व्यास के बराबर होता है। बाल को शुद्ध हिंदी में बोलते हैं केश, जैसे आपने सुना होगा केश किंग, केश काला, केश निखार, उसी तरीके से एक ऐसा एयर गैप जो चारों तरफ से सिलिंड्रिकल बाउंड्री से घिरा हो उसको हम लोग बोलते हैं ट्यूब, हिंदी में बोलते हैं नली। इसीलिए इस ट्यूब को बोलते हैं केश नली। और इस केश नली की सबसे खास बात क्या खास बात है देखते हैं जरा। देखिएगा केश नली, केश नली की खास बात यह है कि जब हम लोग किसी केश नली को किसी भिगोने वाले द्रव में डुबोते हैं, जब हम लोग किसी केश नली को किसी भिगोने वाले द्रव में डुबोते हैं तो वो जो लिक्विड है भिगोने वाला, मैं भिगोने वाले लिक्विड के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जब हम लोग किसी केश नली को किसी भिगोने वाले लिक्विड में भिगोते हैं तो वो लिक्विड उस केश नली में ऊपर की ओर चढ़ने लगता है, इस तरीके से। और वो लिक्विड केश नली में ऊपर की ओर ऐसे करके चढ़ने लगता है, और जब ये लिक्विड ऊपर की ओर ऐसे करके चढ़ने लगता है तो हम लोग इसी एक्शन को बोलते हैं क्या, कैपिलरी एक्शन। तो हम लोग इसी एक्शन को बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। और इसके बीच में ये जो गैप होता है इसी को बोलते हैं कैपिलरी राइज, इसको बोलते हैं कैपिलरी राइज, केशिका उन्नयन। अच्छा, और ये जो एयर गैप है ये जो इसका डायमीटर है और ये जो हाइट है, जितनी हाइट तक ये चढ़ा है, ये जो हाइट होती है ये प्रोपोर्शनल होती है 1/D, मतलब व्यास के। दूसरी चीज, ये जो हाइट है ये प्रोपोर्शनल होती है 1/ग्रेविटी के। ग्रेविटी जितनी कम होगी कैपिलरी राइज उतना ज़्यादा होगा। डायमीटर इसका केश नली का जितना कम होगा, केश नली जितनी पतली होगी कैपिलरी राइज उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। तो जितना कम व्यास उतने ज़्यादा कैपिलरी राइज, जितना कम ग्रेविटी कैपिलरी राइज केश का उन्नयन उतना ज़्यादा होता है। इसीलिए चंद्रमा पर जहाँ पर ग्रेविटी कम है पृथ्वी की तुलना में, तो वहाँ पर केशिका नली में लिक्विड कोई भी जो ऊपर चढ़ेगा वो ज़्यादा चढ़ेगा पृथ्वी की तुलना में, ठीक है।
दूसरी चीज जो है, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये वाला जो शेप है, ये जो बन के आ रहा है लिक्विड का शेप, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये एक शेप है, इसको बोलते हैं कॉनकेव शेप, इसको बोलते हैं अवतलाकार। मैं लास्ट लेक्चर में आपको बता चुका हूँ कि जब कभी भी कॉनकेव शेप आपको दिखाई दे लिक्विड का बना हुआ किसी सराउंडिंग से, आई मीन कि आसपास की किसी दीवार से, समझ जाना कि वो लिक्विड इससे चिपकने वाला लिक्विड है। कहने का मतलब इन दोनों के बीच में, कैपिलरी ट्यूब और लिक्विड के बीच में एडहेसिव फोर्सेस काफ़ी स्ट्रांग हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो इसमें कैपिलरी एक्शन या कैपिलैरिटी का जो मेन रीजन बनता है, वो बनता है एडहेसिव फोर्सेस का होना इनके बीच में, कैपिलरी ट्यूब और लिक्विड के बीच में, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया तुम्हारा कैपिलरी ट्यूब और लिक्विड के बीच में एडहेसिव फोर्सेस का लगना। इसी फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं कैपिलरी एक्शन, ठीक है, इसी को बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। अच्छा, इसके कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे केरोसिन लैंप में केरोसिन का तेल बत्ती में ऊपर चढ़ता है, बत्ती में ऊपर चढ़ता है। दूसरी चीज़, जैसे ये मान लीजिए कि कोई कपड़ा है, ये कपड़ा यहाँ पर पड़ा हुआ था, मेरी बहन कपड़े वपड़े मतलब जो है इस तरीके के रखे रहते हैं, डिजाइनर है ना वो, तो अब जैसे ये कपड़ा है, इसको अगर मैं पानी में डुबो दूँ इस तरीके से, तो ये वाला हिस्सा अगर पानी में डूबा रहेगा तो आधे घंटे के बाद में ये वाला सिरा जो है ना अपने आप इस तरीके से भीग जाएगा। पानी दे दीजिएगा थोड़ा ज़रा गिलास में। तो जो है ये हो गया, जैसे ये टॉवेल है, टॉवेल, इस टॉवेल का एक सिरा अगर मैं पानी में डुबो दूं तो आधे घंटे के अंदर दूसरा सिरा पूरा भीग जाएगा, और ये दूसरा सिरा मैं ऊपर टांगना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से जो इसमें पानी चढ़ता है, तो ये जो टॉवेल है या कोई भी कपड़ा है, ये पतले पतले धागे से मिलकर बना है और उनमें कैपिलरीज होती हैं, ठीक है। जैसे देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, देखिए ये टॉवेल है, पानी है इसमें, पानी देखो पानी है, हाँ है। इसको मैं थोड़ी देर के लिए अगर भिगो रखूँगा इस तरीके से, तो उसके बाद में ये धीरे 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 करके पूरी टॉवेल अपने आप भीग भीगने लगती है। अभी हालांकि आधा घंटा मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता हूँ, मगर हाँ, आप अपने घर में एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, तो ये टॉवेल आपको आधे घंटे बाद भीगी हुई मिलेगी, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ आपने देखा होगा कि जब हम लोग ब्रेड पकौड़ा खाने जाते हैं, किसी दुकान पे ले लेते हैं, तो ब्रेड पकौड़ा जब हम लोग तोड़ते हैं ना, उसमें से ढेर सारा तेल निकल आता है, तो हम लोग उससे बोलते हैं कि भाई एक टिश्यू पेपर दे दो हमें, तो हम लोग टिश्यू लेकर के और ब्रेड पकौड़े को दबा देते हैं, तो उससे जो भी तेल निकल के आता है वो टिश्यू उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, तो वो पूरा का पूरा तेल टिश्यू के सरफेस पे फैल जाता है, वो भी कैपिलरी एक्शन ही हुआ। क्योंकि टिश्यू जो जिन चीज़ों से बना हुआ होता है, कागज, उसमें ढेर सारी केस नलियाँ होती हैं। दूसरी चीज़ कि तो ये एग्जाम्पल हो गया, और जो है पौधों की जड़ों में पानी डाल दो तो पानी पत्तियों तक पहुंच जाता है, पानी पत्तियों तक पहुंच जाता है, मेरा आईपैड दीजिएगा ये है, हाँ, तो पानी टिश्यू पानी पहुंच जाता है पत्तियों तक, पानी पत्तियों तक पहुंच जाता है, वो भी सिर्फ इसी वजह से कैपिलरीज के द्वारा। देखिएगा मेरे पास में कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आपको मैं शो करता हूँ। हाँ, देखिएगा ये जब कहीं पानी वगैरह फैल जाता है, पानी वगैरह जब कभी भी फैल जाता है, तो पानी के ऊपर हम एक जो है मतलब कह सकते हैं कि एक सोख्ता टाइप का है, तो वो मैंने डाला हुआ है, तो ये पानी को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ कि इसके अलावा देखिएगा, ये पौधे का एक तना है, ये किसी पौधे का एक तना है, स्टेम पार्ट है, इसमें पानी ऊपर की ओर चढ़ रहा है, देखो इसमें एरो दिखा रहा है पानी की डायरेक्शन, ठीक है। आजू बाजू में, आस पास में फाइबर है, जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये वाला दिखेगा आपको, ध्यान से देखिएगा, ये किसी पौधे के दो फाइबर हैं और बीच में पानी और मिनरल्स ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये सारे के सारे ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये एग्जाम्पल बनते हैं, और इसके अलावा भी डेली लाइफ में कई सारे एग्जाम्पल्स बन जाते हैं, जैसे
किसान एक फसल के बाद में दूसरी फसल बोने के पहले खेत को दोबारा जोत देते हैं, क्यों? मिट्टी हो जाती है पूरी 3-4-5 महीने में जब से फसल तैयार होती है सॉलिड हो जाती है काफ़ी, तो उनको जोत देते हैं तो जो केश नलियाँ जो ज़मीन के अंदर की जाती हैं वो बंद हो जाती हैं, जोत देने पर वो दोबारा से फिर से खुल जाती हैं। ठीक है, तो यही हमारी डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स हो गए और अक्सर यही चीज़ें क्वेश्चंस में पूछी भी जाती हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिएगा, कैपिलरी एक्शन, केशिका क्रिया। ठीक है, इंग्लिश में मैंने लिख रखा है ऑलरेडी, डेफिनेशन है और एग्जाम्पल भी है। केरोसिन ऑयल लैंप की बत्ती में ऊपर चढ़ता है। हिंदी वाले जो मेरे दोस्त हैं वो लोग डेफिनेशन नोट कर लीजिएगा। एक ऐसी नली जिसका व्यास हमारे बाल के व्यास के लगभग बराबर हो को केश नली कहते हैं। जब किसी केश नली को किसी भिगोने वाले द्रव में डुबोया जाता है तो वह द्रव केश नली में ऊपर चढ़ने लगता है। इसी क्रिया को हम लोग केशिका क्रिया कहते हैं और इसका उदाहरण है केरोसिन लैंप की बत्ती में केरोसिन का तेल, मिट्टी का तेल भी बोला जाता है, केरोसिन का तेल बत्ती में ऊपर चढ़ता है। ठीक है, हाँ दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद में इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा अपने मैक्सिमम दोस्तों में, और जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ आप लोग कर लीजिए। रेगुलर आप लोग अपडेट रहेंगे मेरे इस चैनल पे और अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर इन्वाइट करिए, मैक्सिमम इसको आप प्लीज़ शेयर करते रहिए ताकि मैं इन फ्यूचर और अच्छे वीडियोज़ ला सकूँ। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, मैं इस चैनल पे कुछ ऐसे लोगों का इंटरव्यू प्ले करूँगा, उनको इंटरव्यू लेकर के जो जिनसे आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा एग्ज़ाम्स के बारे में, जैसे कुछ IAS हुए, IES हो गए, ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो चीफ होते हैं, तो उन लोगों का इंटरव्यू मैं अपने इसी चैनल पे ही लाऊंगा, तो इस पे जुड़े ज़रूर रहिएगा, उनसे आपको काफ़ी कुछ नॉलेज मिलेगी, इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और मेरी कोशिश है कि एज सून एज पॉसिबल रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के किसी सीनियर ऑफिसर को मैं अपने इस चैनल पे जरूर लाऊं, तो प्लीज़ इस पे जुड़े रहिएगा और मैक्सिमम में आप इसको शेयर करिएगा। दूसरी चीज़, अगर आपके कोई भी डाउट्स बनते हैं, मान लीजिए कोई क्वेश्चन अगर आया आपके दिमाग में, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा ताकि हम लोग उसको डिस्कस कर सकें नेक्स्ट वाले वीडियो में। ठीक है, और मैं जिस नाम से ये चैनल है उसी नाम से फेसबुक पेज भी है, तो आप उस पर मेरी क्वेश्चंस देखते रहिए। ठीक है, उसको भी फॉलो कर लीजिए क्योंकि मैं अक्सर जो भी क्वेश्चंस दूंगा आपको करने के लिए प्रैक्टिस में, तो उसी पेज के जरिए से मैं आपको PDF पहुंचाऊंगा। दूसरी चीज़, हम इंस्टा पर भी अवेलेबल रहेंगे और सेम ID सेम नेम इंस्टा पर भी आपको मिलेगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में, हाँ एक चीज़ और आपको बता दूं कि नेक्स्ट वीडियो जो हम इसके बाद लाएंगे वो सरफेस टेंशन की ही होगी, बट जो अभी तक हमने पढ़ा लेक्चर 1 से लेक्चर 4 तक आप PCS लेवल के सारे क्वेश्चंस अप टू PCS फिनिश कर लेंगे, मगर जो मेरा अगला लेक्चर आएगा तो वो कुछ उन एग्ज़ाम्स के लिए है जिनमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के अलावा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी पूछता है, जैसे कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के एग्ज़ाम्स हो गए और जो है आर्मी का कोई भी एग्ज़ाम हो गया, एयरफोर्स का एग्ज़ाम हो गया जैसे एयरफोर्स एक्स ग्रुप का हो गया, और उसके बाद में आ जाता है नेवल एकेडमी के एग्ज़ाम्स हो जाते हैं, CAPF के एग्ज़ाम्स हो जाते हैं, असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम हो जाता है और SSC CPO का एग्ज़ाम हो जाता है, तो इनमें न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम्स, डेरिवेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स, डेरिवेशन करने को नहीं आते हैं मगर उनके डेरिवेशन के बीच में से किसी टर्म पर कोई क्वेश्चन बन जाता है,
तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन ये लोग यहाँ से पूछ लेते हैं, कभी कभी फार्मूला बेस्ड डायरेक्टली एक सिंपल सा न्यूमेरिकल भी पूछ लेते हैं। तो इसीलिए हम लोग जो अगला लेक्चर लाएंगे वो इसी पर बेस्ड लाएंगे। तो इसको जो लोग जिन लोगों का मेन मोटो आर्म फोर्सेस में जाना है तो वो लोग अगले लेक्चर को मिस मत करिएगा। करीब जो है 30 से 40 मिनट का हम लोग लेक्चर लेंगे मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।